नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। बॉलीवुड इंडस्ट्री में ऐसा कम ही होता है कि पहली ही फिल्म से किसी एक्टर या एक्ट्रेसेस को पहचान मिल जाए। इन्हीं कम लोगों में शामिल है एक्ट्रेस भाग्यश्री, जो फिलहाल फिल्मों से दूर अपनी निजी जिंदगी में व्यस्त हैं। भाग्यश्री ने अपनी पहली ही फिल्म मैंने प्यार किया से लोगों के बीच वो लोकप्रियता हासिल की जो कई बार लोगों को ढेरों फिल्मों से भी नहीं मिलती। सलमान खान की भी ये शुरुआती फिल्म ही थी और ये उनके करियर में मील का पत्थर साबित हुई थी। फिल्म 1989 में रिलीज हुई थी, जिसके गाने आज भी सुने जाते हैं। देखिए ये रिपोर्ट। अभिनेत्री भाग्यश्री ने साल 1989 में मैंने प्यार किया से बॉलीवुड में डेब्यू किया। इस फिल्म से उन्हें खूब लोकप्रियता हासिल हुई। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही और भाग्यश्री रातों रात बड़े स्टार्स की लिस्ट में शामिल हो गई। सफलता पाने के बाद भाग्यश्री ने सोचा कि अब वो अपनी मर्जी से शादी कर सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जहां एक तरफ करियर के पीक पर आमतौर पर एक्ट्रेसेस शादी से पीछे हटती हैं, वहीं दूसरी तरफ भाग्यश्री ने डेब्यू के अगले साल ही यानी 1990 में हिमालय दसानी से शादी कर ली थी। इसके बाद वो स्क्रीन से दूर हुए। उन्हें जो भी दो चार फिल्में मिली वो भी बी ग्रेड की थी। भाग्यश्री का जन्म महाराष्ट्र के सांगली में पटवर्धन राजघराने में हुआ। उनके पिता विजय सिंह राव माधव राव पटवर्धन सांगली के राजा माने जाते हैं। तीन बहनों में भाग्यश्री सबसे बड़ी हैं। पहले फिल्म के बाद ही भाग्यश्री ने शादी करने का फैसला कर लिया था। अगर आप सोच रहे हैं कि फिल्मों से दूर होने के बाद भाग्यश्री सिर्फ घर संभाल रही हैं, तो ऐसा नहीं है। भाग्यश्री सोशल वर्कर के तौर पर भी काम करती हैं। इसके साथ ही उनके फिटनेस वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी पसंद किए जाते हैं। 52 साल की उम्र में भी भाग्यश्री की खूबसूरती किसी नई उम्र की एक्ट्रेस से कम नहीं है। भाग्यश्री के माता पिता नहीं चाहते थे कि वो हिमालय से शादी करें, लेकिन वो उन्हें बेहद पसंद करती थी। पहली फिल्म रिलीज होने से पहले ही भाग्यश्री ने हिमालय से शादी कर ली थी, जिसकी खबर उनके माता पिता को नहीं थी। उनकी फिल्म जब हिट हो गई तो उनके पास फिल्मों के अंबार लग गए, लेकिन भाग्यश्री ने सबको ना कह दिया और अपनी शादीशुदा जिंदगी में व्यस्त हो गई। हालांकि उन्होंने बाद में कुछ फिल्म्स की, जिसमें भी उन्होंने कई शर्त रखते हुए कहा कि फिल्म में ना तो वो छोटे कपड़े पहनेंगी और ना ही बोल्ड सीन देंगी, और अगर देना भी हो तो वो अपने पति के साथ ही देंगी। उनकी फिल्में कैद में है, बुलबुल, पायल, त्यागी आदि बुरी तरह से फ्लॉप रही थी। इसके साथ ही फिल्म मेकर्स ने भी उनसे दूरी बनानी शुरू की और इस तरह वो फिल्मों से दूर हो गई, अपनी निजी जिंदगी में व्यस्त हो गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज वर्ल्ड इंडिया।